दोस्तों ये हमारे पास Oppo F19s। तो गाइज वीडियो शुरू करने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे गैलरी में आपका जो भी डेटा है, यानी कि इस फोन के अंदर जितना भी आपने डेटा स्टोर किया है, फोटोज, वीडियोस, कॉन्टैक्ट वगैरह, सब कुछ किसी दूसरे फोन के अंदर कॉपी कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपका फोन जो है पूरी तरह से फॉर्मेट होने वाला है। आपका ईमेल अकाउंट, प्ले स्टोर आईडी, सब कुछ, व्हाटएवर, कोई भी इसके अंदर चीज जो है वो रहनी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपका डेटा जो है फिर रिकवर नहीं होगा। फिर दोस्तों आपको जाना होगा सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जैसे ही जाओगे तो यहाँ पे आपको एडिशनल सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको बैकअप एंड रिसेट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यानी कि अभी तक आपने आपका फ़ोन का बैकअप नहीं बनाया है तो आप गूगल ड्राइव पर भी आपका बैकअप जो है वो बना सकते हो। फिर दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रिसेट, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे दोस्तों आपको तीन और ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि फर्स्ट वाला है रिसेट नेटवर्क सेटिंग्स, यानी कि इस फ़ोन के अंदर आपका वाईफाई, ब्लूटूथ या मोबाइल डेटा का जो नेटवर्क होता है जियो सिम, एयरटेल, वोडाफोन, वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो आप यहाँ से रिसेट नेटवर्क सेटिंग्स कर सकते हो। फिर दोस्तों यहाँ पे रिसेट सिस्टम सेटिंग्स ओनली, यानी कि इस फ़ोन के ऐप्स के सेटिंग्स आप रिसेट करना चाहते हो, यानी कि पूरे फ़ोन के सेटिंग्स ओनली रिसेट करना चाहते हो, तो वो यहाँ से आप कर सकते हो। इससे आपका डेटा जो है वो डिलीट नहीं होता, सिर्फ फ़ोन के सेटिंग्स वगैरह ही रिसेट होते हैं। बट हमें पूरा फ़ोन जो है वो फॉर्मेट करना है तो यहाँ पे आपको इरेज ऑल डेटा पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको पासवर्ड एंटर करने को बोलेगा। यहाँ पे आपको 4-डिजिट पासवर्ड एंटर करना है, लॉक स्क्रीन वाला। फिर दोस्तों यहाँ पे आपको इरेज डेटा का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको इरेज ऑल डेटा पे क्लिक कर देना है। इरेज डेटा पे क्लिक करना है तो हमारा फ़ोन जो है वो रिसेट के प्रोसेस में अभी चला गया है। अभी आपको कुछ भी नहीं करना है, बस शांति से फ़ोन को देखे रहना है। और ये स्टार्ट होने के बाद इसको कैसे सेटअप करना है वो भी हम देखेंगे इस वीडियो में आगे। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ओप्पो की ब्रांडिंग आ चुकी है और यहाँ पे लिखा हुआ है पावर बाय एंड्रॉइड। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है बीपिंग डेटा प्लीज़ वेट। तो गाइस यहाँ पे अगेन ओप्पो की ब्रांडिंग आ चुकी है। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरीके से प्रोसेस होती है, फिर हमारा फ़ोन जो है वो सेटअप की प्रोसेस में आएगा। तो गाइज जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्ट लैंग्वेज, तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो टर्म्स ऑफ सर्विस, यहाँ पे आपको आई हैव रीड एंड एग्री टू द टर्म्स अबाउ, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे कनेक्ट टू वाईफाई, यहाँ पे आपको स्किप कर लेना है, यहाँ पे आपको ओके कर लेना है, स्किप करना है। और प्रोटेक्ट योर फोन, यहाँ पे आपको स्किप कर लेना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो वाईफाई असिस्टेंट, यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे गूगल सर्विस, यहाँ पे आपको मोर पे क्लिक करना है, अगेन मोर पे क्लिक करना है, देन एक्सेप्ट कर लेना है। और यहाँ पे सेट अनलॉक मेथड, इसको लेटर कर देना है, क्योंकि हमारा फ़ोन स्टार्ट हो जाए फिर ये सब आप बाद में भी कर सकते हो। हे टैप अकाउंट, यहाँ पे आपको लेटर कर देना है। रिकमेंडेड, यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इंपोर्ट डेटा, यहाँ पे भी आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे पर्सनलाइजेशन, यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो वेलकम लिखा हुआ आ जाएगा, कलर ओएस गेट स्टार्टेड, यानी कि कुछ इस तरीके से इस फ़ोन को जो है वो सेटअप करना होता है। और जैसे ही हम गेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारा फ़ोन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि जैसे नया कंपनी में से लाए थे ठीक वैसा हो जाएगा। उसके अंदर जितने सेटिंग्स थे, यानी कि जैसे आप नया फ़ोन खरीदते हो ना, उस टाइम जितने इसके अंदर सेटिंग्स होते हैं, जो जो ऐप्स इंस्टॉल आते हैं, सब कुछ पूरा फ़ोन हमारा वैसा हो चुका है। और यहाँ पे हमारा गैलरी में जो भी डेटा था वो सब कुछ ऑल फॉर्मेट हो चुका है। अभी आप इसको किसी को सेकेंड हैंड में बेचोगे तो भी आपका डेटा जो है वो सामने वाले के पर्सन के पास नहीं जाएगा। तो कुछ इस तरीके से Oppo F19s को बैकअप एंड रिसेट किया जाता है, यानी कि फैक्ट्री डेटा रिसेट किया जाता है। तो आई होप यू गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मैं रोजाना ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय बाय फ्रेंड्स।